हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर ओ यू बिसल। तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आप लोग चाउमीन बनाने वाले हैं। देखिए, सब बनाएंगे चाउमीन रेसिपी। देखो, देखिए, ये है गाजर, ये हरी मिर्च, ये वो पत्ता गोभी, ये प्याज, ये और शिमला मिर्ची तो नहीं था, तो फिर जो था उसी से एडजस्ट करेंगे और बनाएंगे। आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत गर्मी है गाइस, बनाने में ना हालत टाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्म हो रहा है। सोचिए, शाम का टाइम है, कुछ अच्छा सा बना के खाए। मार्केट से मंगाने का मन था, फिर सोचे घर में ही बना लेते, सामान भी था और सब चीज़ था, तो सोचे बना लेते हैं। अब इसमें मसाला देते हैं, मिर्च पाउडर थोड़ा सा देते हैं, नमक दे देते हैं, पत्ता गोभी। सब्जी ज़्यादा रहता है गाइस, तो खाने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। दो गर्मी छींक आ रही है गाइस, चल जाओ उधर बेटा, गर्मी बहुत है, गर्मी लग रहा है ना। क्या कर रही, क्या लिख रही यारो, टेबल दिखा दो। गाइस, इसमें दे दिए सब चीज, अब सॉस देंगे, थोड़ा सा सॉस दे देते हैं। पसंदीदा सॉस है गाइस, इसमें ढेर सारा भर भर के सॉस दे देते हैं गाइस। ये टमाटो केचप, देखिए किसान का सोया सॉस, थोड़ा सा दे देते हैं, ज़्यादा देंगे ना उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, मम्मी थोड़ा हिचकी आ रही है। और ये है विनेगर, देखिए तो विनेगर भी थोड़ा डाल देंगे। इसको चलाएंगे बस, तो बहुत गर्मी लगे थे तो हमें फ़ोन में कटाक दी थी। देखिए, ये फ्राई हो, ये हो गया, अब ये चाउमीन देखिए ये डालेंगे, इसको थोड़ा सा देखिए, इसको मैं उबाल कर रखी थी, ये थोड़ा चिपक गया है, इसको थोड़ा वो कर देते हैं। देखिए, इसको मैं डाल दी, अब मैं इसको चला दूंगी। ना अच्छा, देखिए कलर भी लग रहा है, इसको मैं जब पूरा अच्छा से मिला लूँगी ना तो देखना गाइस कितना मस्त कलर लग रहा है। थोड़ा सा ना ये मैगी मसाला भी डाल देती हूँ गाइस, एकदम ऊपर से ना मस्त लगेगा मैगी मसाला देने के बाद। टेस्ट के लिए तो थोड़ा सा देना ही पड़ेगा ना। देखिए गाइस, मेरा ये बन गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सारा उसमें ढेर सारी सब गाजर वगैरह है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब गाइस गन बन गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस, उफ़। अब मैं बताऊँगी थोड़ी देर बाद खा के कैसा लग रहा, थोड़ा ठंडा होगा तो तब मैं बताऊँगी आपको, ठीक है गाइस, खा के आपको बताऊँगी कैसा लग रहा है।
देखने में तो यम्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। मिर्चा को डालना पड़ता है।